कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सुबह ही एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि का जो मामला सूरत हाईकोर्ट में सुना गया था और वहां से सजा सुनाई गई थी, उसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली दाखिल याचिका को भी तत्काल खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले यानी सूरत कोर्ट के फैसले को सही माना है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी तत्कालीन वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है या 2 साल की सजा होती है तो उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा दोनों जगह से जहां भी का भी जो सदस्य हो वो रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी है, यानी 6 साल तक व्यक्ति अयोग्य होता है। राहुल गांधी ने 2 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। राहुल द्वारा 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली अर्जी में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जबकि दूसरी में अपील के निस्तारण तक कन्विक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन दोनों पर ही फैसला चौंकाने वाला और राहुल गांधी के लिए निराशाजनक रहा। राहुल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, हालांकि अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से राहत पा जाते हैं तो उनकी सजा अगर माफ कर दी जाती है या रोक लगा दी जाती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 और 2018 में ऐतिहासिक लिली थॉमस और लोक प्रहरी फैसलों में कहा गया था कि अगर सजा निलंबित कर दी जाती है और अपीलीय अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगा देती है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी विधायक की अयोग्यता को पलटा जा सकता है। अकेले सजा के निलंबन से विधायक के रूप में अयोग्यता को पलटा नहीं जा सकता। ये जरूरी है कि अपीलीय अदालत भी अयोग्यता को निलंबित करने के मामले में दोष सिद्धि तक रोक लगा दे। हाल में ही लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले में भी ऐसा देखने को मिला था। जनवरी में मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में फैजल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया था। केरल हाईकोर्ट में मोहम्मद फैजल को सजा के तौर पर रोक लग गई थी और उन्हें राहत मिल गई थी। इसके बाद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी के साथ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट से जो झटका लगा है उसके बाद राहुल गांधी अगला कदम उनका निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही होगा, जहां से उन्हें फैसले में बेहद राहत की उम्मीद होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।